महाराज डाला, वो रत्नों से भर गई महाराज, इस प्रकार से उसके ऊपर कृपा करवा। इधर गोकुल में बहुत दिन रहते रहते उत्पात सहते सहते हो गया। नंद बाबा ने सबको साथ में लेकर के बनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम, वृंदावन में सबने डेरा बनाया और जैसे ही भगवान वृंदावन आए तो भगवान को याद आया कि मेरा नाम गोपाल है, अब मुझे गोपाल नाम सार्थक करना है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बाबा मैं तो गैया चराऊंगा गैया चराऊंगा। नंद बाबा ने कहा दारी के भी छोटा है तू गैया नहीं संभाल पाएगा, चलो बछड़ा चराया कर। और भगवान बछड़ा चराने के लिए गए तो बत्सासुर आ गया, उसका भगवान ने उद्धार किया। बछड़ा के चारण के क्रम में भगवान ने बकासुर का उद्धार किया और भगवान श्याम सुंदर ने उसी लीला के क्रम में जो है अघासुर आदि दैत्यों का वध किया। और एक दिन भगवान ने कहा कि देखो भैया कल हम लोग पिकनिक मनाएंगे, सखाओं से कहा अपने अपने घर से बढ़िया मिष्ठान बनवा करके लेकर के आना। भगवान जानते थे कि कोई सखा ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जलेबी नहीं खाई होगी, जिन्होंने कभी खीर नहीं खाई होगी, उन सबको सभी व्यंजनों का स्वाद मिले। और एक साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, एक साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। जब से समाज में अकेले खाने की आदत हो गई तब से समाज का प्रेम चला गया। घर में चार भाई हैं, घर में चार भाई हैं, जब तक एक साथ बैठ के खाते हैं घर में कभी बंटवारा नहीं होता। जब भी किसी एक ने भी थाली अपने कमरे के अंदर मंगवा ली, वही रोटी है, वही दाल है, वही सब्जी है, वही अचार है, वही पापड़ है, परंतु जो बाकी बैठे हैं उनके मन में होगा कि लगता है कुछ अच्छी अच्छी चीज खुद खा रहा है और हमको ये दाल चावल खिलवा रहा है, वहीं से भेद उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने प्रेम की स्थापना की अपने सखाओं में, सब लोग ले लेकर के आए, भगवान ने पत्तल परोसी, सबके सामने डाल दिया। इतने पर भगवान ने देखा कि अभी कौन नहीं है। हम लोगों में भगवान में यही अंतर है, हमारे सामने भोजन आ जाता हम टूट पड़ते हैं, हम नहीं देखते कि पीछे किसी को बचेगा कि नहीं बचेगा, है कि नहीं, कौन अभी खाया कि नहीं खाया, अरे खा लो बाद में देखेंगे, ऐसा बोलते हैं। पर भगवान पहले देखते हैं खाने से पहले कि अभी किसने नहीं खाया, कौन बाकी है, कौन शेष है, इसलिए परमात्मा की पूजा होती है। भगवान ने देखा तो मनसुख नहीं था, ओहो दूर खड़ा हुआ था, क्योंकि मनसुख के घर में कुछ भी नहीं था, खट्टी छाछ चार दिन की मैया ने दे दिया था, ये कह के दिया था देख कन्हैया को मत देना नहीं कन्हैया का गला खराब हो जाएगा, जुखाम हो जाएगी। पेड़ के नीचे खड़ा था, भगवान ने कहा धारी के इधर आ। मनसुख ने कहा मीठो है बड़ा मीठो है। भगवान ने कहा क्या, बोले आज दधी मीठो मदन गोपाल, हे श्याम सुंदर बड़ा मीठो है। भगवान ने कहा धारी के अकेले अकेले खाएगो, मौको दे दो। मनसुख ने कहा झूठा हो गया झूठा। भगवान कहते भावत मोही तिहारो झूठन, भावत मोही तिहारो झूठन, भावत मोही तिहारो झूठन, भावत मोही तिहारो में। मनसुख ने सोचा ये छीनने में बड़ा चतुर है, कहीं छीन करके पी लेगा तो गला अवरुद्ध हो जाएगा, पूरा का पूरा लुटक लिया। इतने पर भगवान पहुंचे, भगवान ने ऐसे गाल में गुलचा दिया, पूरा दही छाछ बाहर निकलने लगी, भगवान चाटने लगे। ब्रह्मा जी आए थे मत्था टेकने के लिए, ब्रह्मा का मत्था घूम गया, ये परमात्मा नहीं हो सकते। जिन परमात्मा के पुजारी अपरस में रहते हैं, सेवा में शुचिता का इतना ध्यान करते हैं, वो परमात्मा इन गंवार ग्वारियों की जूठन खाता है, अरे जूठन तो छोड़ो बमन किया हुआ चाट रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। परंतु भगवान का तो अवतार हो गया, परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़ों को किडनैप कर लिया,
सबने भोजन किया, भोजन करने के बाद उठने लगे, भगवान ने कहा बैठो मैं भी पता करता हूँ। भगवान बछड़ा देखने के लिए गए, इधर ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों को भी छुपा चुरा लिया, उधर गए बछड़े नहीं, इधर गए ग्वाल बाल नहीं। भगवान ने कहा वाह ब्रह्मा ये तेरी लीला है, अब ब्रह्म की लीला देख। जितने बछड़े थे उतने भगवान बछड़े बन गए संकल्प से, जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए, लेकर के चल पड़े। आज जो गाय लात मारती थी शांत खड़ी है, खूब पिला रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए वो गाय यशोदा के गोदी में कन्हैया को देख के सिहाती थी, काश कन्हैया हमारा भी दूध पीता तो हम कृतकृत हो जाते। इस भावना की पूर्ति के लिए भगवान बछड़े बन गए। वो माताएं सिहाती थीं, काश हमारा भी दूध पीता तो कितना सुख मिलता। उनकी भावना की पूर्ति के लिए भगवान ग्वाल बाल बन गए। इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। ब्रज की पुरोहितानी थी पूर्णमासी, जिसका नाम था ज्योतिष शास्त्र की प्रकांड विद्वान थी, उसने इस रहस्य को समझा और ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक वर्ष के अंदर जिन गोप कन्याओं का विवाह इन गोपों के साथ में होगा उनका सिंदूर अमर हो जाएगा, क्योंकि मणिकांतन योग है। और महाराज जिन कन्याओं का विवाह गोपों के साथ में हुआ था, गोप कोई और नहीं थे स्वयं भगवान थे, उन्हीं गोप कन्याओं का प्रवेश महाराष्ट्र में हुआ है। भगवान कभी किसी गैर के साथ में नृत्य नहीं किए। ब्रह्मा को पता चला, ब्रह्मा आया फिर गुफा में गया, अंतोगत्वा आकर के 40 श्लोक में भगवान की स्तुति की और भगवान ब्रह्मा से एक बार भी नहीं बोले। जो भगवान के भक्तों से भगवान को अलग करता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। जो कहता है राम की पूजा मत करना, शिव की पूजा मत करना, कृष्ण की पूजा मत करना, भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। ब्रह्मा को मौन होकर के भगवान ने कहा तू पीछे हट, तू क्या मुझे समझेगा, मुझे समझने के लिए प्रेम की दृष्टि चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो प्रेम की दृष्टि दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं नहीं दे सकता, वो प्रेम की पाठशाला चला रही हैं, प्रेम की पाठशाला की प्रिंसिपल हैं, जिनका नाम है श्री राधा रानी। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपा ने गोपाष्टमी के दिन गर्गाचार्य जी से मुहूर्त निकलवा करके गोचारण की लीला की। गोचारण के प्रथम दिन में धेनुकासुर आ गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। मन में थोड़ा चुभित हुए कि नाम तो धेनुकासुर है तो राक्षस पर धेनु नाम। बलराम जी को कहा गाय लेकर के भैया जाओ मैं वापस थोड़ी देर में आता हूँ। गिरा जी की तलेटी में भगवान जाते हैं, श्री राधा रानी जल भरने के लिए आई हुई थी, एक कलश माथे में रख लिया, दूसरा उठाने के लिए देख रही थी कौन उठवा दे। इतने पर भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, भगवान ने कहा कहो तो मैं उठाई दूं। श्री राधा रानी ने कहा खबरदार छूना नहीं, आपको गोहत्या का दोष लगा। भगवान ने कहा श्री जी वो तो राक्षस था। श्री जी ने कहा नाम तो धेनु, नाम तो धेनु का था, क्या करना चाहिए? बोले भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का स्नान करो, 25 करोड़ गायत्री का जाप करो। भगवान ने कहा मैं
गाय चराने के लिए सुबह निकलता हूं, मेरी मैया 3 बार देखने के लिए भेजती है, छाती में 5 किलो का पत्थर दबाती है कब वापस आएगा, और मैं इतनी तीर्थ यात्रा कैसे करूंगा, आप कोई व्यवस्था कर दीजिए ना। तो श्री जी ने कृपा करके गिरिराज जी की तलेटी में एक कुंड का निर्माण किया, बोलिए राधा कुंड की, समस्त तीर्थों का आवाहन किया। भगवान ने भी एक कुंड का निर्माण किया, बोलिए कृष्ण कुंड की, और भगवान ने स्नान किया। इस प्रकार से राधा कुंड कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ, भगवान वापस आए। एक दिन गोचारण लीला के क्रम में बिलोक दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विभु तस्याम विशुद्ध मच्छिन्न सर्पम तमदुवास। जमुना सफाई योजना भगवान के मन में बनी, काली देह में वो काली नाग रहता था जिससे विषाक्त जल से जमुना का जल विषाक्त हो चुका था। एक दिन गाय आदि सब मूर्छित हो गए और भगवान ने सफाई योजना को मन में धारण किया, कूद पड़े और जाकर के काली नाग का मर्दन किया। काली नाग शरण में आ गया, उसने कहा नाथ इसमें मेरा क्या दोष है, आपका ही दिया हुआ मैंने आपको अर्पण किया है, मेरा क्या दोष है। रामावतार में भगवान बाली के सामने निरुत्तर हुए और कृष्णावतार में इस काली नाग के सामने चुप हो गए, बता बता क्या दे दूं तुझको। काली नाग ने कहा नाथ मेरा स्वभाव बदल दो। भगवान ने कहा ये स्वरूप बदलना तो मुझे आता है, स्वभाव बदलना नहीं मुझे आता, यदि स्वभाव बदलना चाहता है तो तू यहां से रमणप द्वीप चला जा, मेरी कथा तेरा स्वभाव बदल सकती है। परमात्मा स्वरूप बदलता है पर कथा स्वभाव का परिवर्तन करती है। बोले वहीं से तो आया था भाग करके जान बचा के, बोले कोई बात नहीं। भगवान ने अपना चरण पधरा दिया, मोहर लगा दी, गरल सुधारी पुकर मिताई, गरल सुधारी पुकर मिताई, ओ पद से अनल शीतलाई, ओ पद से अनल शीतलाई, करुण सुमे रेणु समताही, करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, राम कृपा करे चितवा जाही। भगवान ने उस पर कृपा करी। अगले अध्याय के क्रम में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने दावा नल का पान किया, गोपों की रक्षा के लिए गौओं की रक्षा के लिए ग्रीष्म ऋतु में प्लम्बासुर का उद्धार किया, मुंजारण वन में अग्नि से गौ गोप आदि की रक्षा की। भगवान कैसे गाय चराते थे यहाँ पर वर्णन है। इस श्लोक पर नाना प्रकार के अर्थ लोग करते हैं, अजा गावो महिष निर्वसंतो बनद्वयम इसी काटवी निर्वसु कृदन्तो दावर्षितः। अजा गावो, अजा गाय और महसी, लोग कहते भगवान बकरी चराते थे, भगवान गाय चराते थे, भगवान महसी माने भैंस चराते थे, ऐसा अज्ञानता में अर्थ करते हैं। अजा न जाया, जो अभी ब्याही नहीं है वो जो गाय है उसको अजा कहते हैं, महसी उसको कहते हैं जो एक बार ब्याही है, जो एक बार ब्याही है उसे महसी शब्द से अलंकृत किया गया है, और जो अनेक बार ब्याही है नहीं भी ब्याही है उन गायों को गाय कहते हैं, बूढ़ी है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, कैसी भी है। यदि महसी को भैंस शब्द से अलंकृत किया जाता तो रामचरितमानस में वहां पर गोस्वामी जी कैसे लिख देते, जनक राज महसी जग जानी, मरानी सुनेना के लिए महसी शब्द का प्रयोग किया है। वर्षा ऋतु आदि का बड़ा अद्भुत वर्णन किया,
जैसे रामचरितमानस में वर्णन है सेम वही वर्णन है। वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद ऋतु में गोपियों ने वेणु गीत के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर का स्तवन किए हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणूर दर सुदया पूर्णयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत की। भगवान श्याम सुंदर के सुंदर का वर्णन करते हुए और यहाँ पर गोपियों का बड़ा अद्भुत संवाद है। कोई कहती देखो सखी आंखों का तो परम लाभ है भगवान श्याम सुंदर का दर्शन, ये गाय कितने सौभाग्यशाली हैं, और ये देखो सखी ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली हैं, ये बन के मोर कितने सौभाग्यशाली हैं, ये नदियां ये झरने कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्याम सुंदर का आश्रय प्राप्त करते हैं। पर सबसे सौभाग्यशाली तो ये बंसी है, अरे ये तो अकेले अकेले भगवान श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करती है। ब्रज जीवन ओठन को तकिया नित मंगल मोद मनावत है शीतल मंद सुगंध भली अलकावली पौड़ डुरावत है पद चापत श्याम दुहु करते अब तो मन मोद बढ़ावत है अरे इतनो सुख पाई अरी बंसी अब हूं तो चैन न आवत है कौन तपते कियो रे बंसी कौन तपते कियो। वेणु गीत के माध्यम से भगवान का स्तवन किया। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आ गई। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरुहा विश्व भुंजानाम कात्यायन अर्चन व्रतम। कार्तिक के महीने में कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, प्रार्थना करती है, प्रार्थना भी बहुत अच्छी है। कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरते नमः। स्वयं भगवान श्याम सुंदर को पति के रूप में मांगती हैं, पर इनके स्नान करने की विधि ठीक नहीं है। बिना वस्त्र के जमुना में स्नान करती हैं, इस परंपरा को बंद कराने के लिए भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। उनके वस्त्रों को लेके कदम के पेड़ में चढ़ गए, इधर उधर देखने लगी। जब निकलने की बारी आई इधर उधर देखा कहीं वस्त्र नहीं दिखाई दिए। इतने पर भगवान श्याम सुंदर का पीताम्बर नजर आया और इन गोपियों ने, चारों वर्ण की गोपियां थी महाराज वहां पर, सबने प्रार्थना किया। श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। करवामि तवोदितम, आप जो कहोगे बदले में वस्तु ला के दे देंगी, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दो। नोचेत राग्रे ब्रुवामहे, नहीं दोगे तो हम राजा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। शूद्र वर्ण की जो गोपियां थी उन्होंने कहा श्याम सुंदर ते दास्या, हम तो दासी हैं। वैश्य वर्ण की थी करवामि तवोदितम, बदले में वस्तु ला के दे देंगी, हमारे वस्त्र दे दो। जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां थी कहती देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा श्याम सुंदर आपको शोभा नहीं देता। पर जो क्षत्राणियां थी महाराज, नो चेत नाग्रे ब्रुवामहे, खून का प्रभाव होता है, ऐ श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो, यदि नहीं दोगे तो राजा से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हारी खबर ले लेंगे। भगवान ने उन गोपियों से कहा वादा करो आज के बाद जमुना में कहीं भी जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना। बिना वस्त्र के स्नान करने से जल के अधिष्ठान देवता जिनका नाम वरुण है उनका अनादर होता है। और भगवान ने उनसे संकल्प लिया और उनको वस्त्र दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन वस्त्र के ब्याज में भगवान ने उनके कपट को चुराया। जो मिलने में थोड़ा बहुत कपट था, जो बाधक था,
भगवान ने पटके ब्याज में कपट को चुराया, क्योंकि जितने पट पहनने वाले हैं, चाहे हम हो आप कोई भी हो, जितने पट वाले हैं उन्हीं के हृदय में कपट बसता है। जो पट नहीं पहनते आप देखते हैं भाई, हम लोग तो पहनते हैं ना, उसी में लुढ़कते रहते हैं। संत नहीं पहनते, यूज करते हैं, वो यूज करते, पहनते नहीं है, शरीर को ढकते हैं, इसलिए उनके हृदय में कपट नहीं होता। कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है, ये कपड़े नहीं पहनते, इसलिए इनके हृदय में कोई कपट नहीं होता। निकलना है तो निकलना है, नहीं निकलना तो नहीं निकलना, बोलना है तो बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना। पटके ब्याज में भगवान ने कपट को चुराया, इस प्रकार से भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी। इधर भगवान श्याम सुंदर एक दिन गोचारण करने करते करते दिशा बदल गई। वैसे तो गोचारण करने के लिए भगवान श्याम सुंदर गिराजी की तलेटी में इधर कामा की तरफ जाते थे, आज मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे मथुरा की ओर पहुंचे तो भगवान के सखाओं को भूख लगी। भगवान के सखाओं ने कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरघन, ऐसा वही बांधते छुन्न तांति कर तुम अर्हत। हे राम, बलराम, हे कृष्णा, पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, न जाने कितने देवताओं को मार दिया, कन्हैया या भूख को नहीं मारा। सांझ समय में विदा कर दीनी, होते ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये मौत से भूख बड़ी। दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा भगवान का भजन करना हो तो बड़ी परेशानी होती है, चाय की इच्छा हो जाती है, भूख लगने लगती है। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट गदा। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट गदा। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट गदा। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट गदा। ओ मन ने कहा चलो गंगा नहाए, मन ने कहा चलो गंगा नहाए, मन ने कहा चलो त्रिवेणी, मेला लगा हुआ है और पोष्टी स्वामी जी ने, आनंद पीठाधीश्वर जी ने निमंत्रण भी दिया है, बुलाया भी है गुरु जी ने, चलो कुंभ में स्नान करके आते हैं। मन ने कहा चलो गंगा नहाए, मन ने कहा चलो गंगा नहाए, ओ गंगा नहाए चलो डुबकी लगा, ए गंगा नहाए चलो डुबकी। प्लेन में बैठे, प्लेन में बैठे, गाड़ी में बैठ प्रयागराज, तो आ गया बुखार, इसमें भी आते झंझट गदा। पहुंच गए प्रयागराज, तो आ गया बुखार, इसमें भी आते झंझट गदा। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते। पहुंच गए मंदिर, बंद है किवार, इसमें भी आते अरे पहुंच गए मंदिर, तो बंद है किवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। ओ तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार।
भागवत होनी है, महाराज श्री ने निमंत्रण भी दिया। ओ मन ने कहा चलो कथा सुनी आए, ए मन ने कहा चलो कथा सुनी आए, ए कथा सुनी आए सत्संग सुनी आए, कथा सुनी आए सत्संग सुनी आए, जाने लगे कथा में, जाने लगे कथा में तो आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं जन्नत हजार, जाने लगे कथा।